तो भाइयों, आप सभी ने कार सेलर सिमुलेटर मोबाइल गेम कभी न कभी खेला होगा, और आपको ये भी पता होगा कि ऑफिशियल कार फॉर सेल मोबाइल के लिए बहुत ही जल्द आने वाला है। तो आज के इस वीडियो में हम इन दोनों गेम को कंपेयर करने वाले हैं और देखने वाले हैं कि दोनों गेम्स में हमारा कौन सा गेम बेटर निकलने वाला है। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो सबसे पहले शुरू करते हैं हमारी कार के कंट्रोल से। हमारे कार सेलर सिमुलेटर डीलरशिप के कंट्रोल कुछ इस टाइप के दिखाई देते हैं, जो कि मुझे काफी रियलिस्टिक लगते हैं। इनमें कोई दिक्कत लगी नहीं है मुझे अभी तक। और हमारे ऑफिशियल कार फॉर सेल के कंट्रोल कुछ इस टाइप के रहने वाले हैं। तो इन दोनों को कंपेयर करें तो मुझे तो अपने कार सेलर डीलरशिप के ही कंट्रोल काफी अच्छे लगे हैं। तो ये पॉइंट जाता है हमारे कार सेलर डीलरशिप को। तो हमारे कार सेलर सिमुलेटर डीलरशिप के ग्राफिक्स कुछ इस टाइप के दिखाई देते हैं, जो कि काफी ठीक ठाक लग रहे हैं। और हमारे ऑफिशियल कार फॉर सेल के ग्राफिक्स को देखे तो वो कुछ इस टाइप के दिखाई दे रहे हैं। तो मुझे ऑफिशियल कार फॉर सेल के ग्राफिक्स काफी अच्छे लग रहे हैं, काफी एडवांस लग रहे हैं, पूरी डिटेल काफी अच्छे से दी गई है। तो ये पॉइंट जाता है हमारे ऑफिशियल कार फॉर सेल को। उसके बाद में हमारे शोरूम को कंपेयर कर रहे हैं, तो हमारे कार सेलर सिमुलेटर के ग्राफिक्स कुछ इस टाइप के लग रहे हैं ऑफिस के, और ऑफिस हमारा कुछ इस टाइप का दिखाई देता है, जो कि काफी ठीक ठाक सा है, मुझे भी काफी ठीक ठाक सा लगता है। और यहाँ पे एक गेट भी बनाया गया है सामने, जो कि बहुत ही अच्छी बात है, गेट तो होना ही चाहिए, और अंदर से कुछ इस टाइप का लुक आता है। और हमारे ऑफिशियल कार फॉर सेल के ग्राफिक्स ऑफिस के कुछ इस टाइप के लगते हैं, लेकिन इसमें चारों तरफ फेंसिंग लगाई गई है और बीच में कुछ गेट नहीं लगाया गया है। इन दोनों को कंपेयर करके देखें तो हमारे ऑफिशियल कार फॉर सेल का शोरूम मुझे काफी अच्छा और डिटेल्ड लगा है। तो ये पॉइंट जाता है हमारे ऑफिशियल कार फॉर सेल को। और हमारे कार सेलर सिमुलेटर की रोड को कंपेयर करें तो हमारी रोड कुछ इस टाइप की दिखाई दे रही है, जो कि काफी रियलिस्टिक नहीं है, बिल्कुल भी रियलिस्टिक नहीं है। ऑफिशियल कार फॉर सेल की रोड को कंपेयर करें तो ग्राफिक्स के मामले में तो सारा का सारा पॉइंट जाने वाला ऑफिशियल कार फॉर सेल को। तो इन सभी पॉइंट्स को कंपेयर करने के बाद मुझे तो दोनों सेम सेम लग रहे हैं, लेकिन ग्राफिक्स के मामले में मुझे ऑफिशियल कार फॉर सेल काफी एडवांस लग रहा है, और फीचर के मामले में कार सेलर सिमुलेटर काफी एडवांस लग रहा है। और बाकी सब तो गेम आने के बाद ही पता चलने वाला है। तो आपको ये कंपेरिजन वीडियो अच्छा लगा हो और ऐसा ही कंपेरिजन वीडियो बाकी और पॉइंट्स पे चाहिए, बाकी और टॉपिक्स पे चाहिए, तो कमेंट जरूर करना।